नहीं मेरे मुझे ऐसा लगता देखो जो बात और अगर अगर अल्लाह ने चाहे तो जिनसे इसी में पूरा हो जाए, अच्छा वरना वरना मसला ये ना, तो आपको सब मसला है, मतलब इसमें के पढ़ाई के दो अटेम्प्ट, उम्मीद है कि अगली दफा तो दे देगा आगे देते हैं। अच्छा ये तो है। और ये बताइए उसके तो सब बिलो निकला पुरानी स्कीम से, ठीक है? उसके स्कीम के 6% जल्दी आएगी, ठीक है? तीन साल उसके 3 साल के अटेम्प्ट, छह छह तीन गुजर गए, देर बहुत अटेम्प्ट तीन तीन साल तीन बाई के। सर मेरे फर्स्ट मार्क्स 20 थे, वो मतलब एक पार्ट रहते थे तो मेरे कोई को अटेम्प्ट दी थी क्या इससे पहले? आइए एक बार कोई भी उससे पहले मेरे की फिजिकल वाली इसका इसका भी अटेम्प्ट, मेरे ये 5 अटेम्प्ट थे। मगर फर्स्ट मार्क्स को मेरा जिसने एक अटेम्प्ट पहले दे दी होगी ना उससे पहले वो ओल्ड स्कीम हो गया। और स्कीम हो गए तो मेरे एक 5 अटेम्प्ट कितनी बची होंगी, अभी कितनी बची होंगी? अटेम्प्ट चलते हैं ये चलिए कि तीन चलेंगे पांच रहते हैं। और ये जो भी इंडक्शन वाला सीन वाला क्या है, 10 इंडक्शन था 6 महीने के अंदर यूज होगा। वो बच्चा सर मैंने छोटी कम जाए कराची के बीच में देखो तुम लोग अगर 3 साढ़े 3 साल में भी टैग करना तो मैं चला बेसिक मिल जाएगा। वो क्या करता था वहाँ पे जाता था मैं छोटी कम बैठी ना तो मैं भी नहीं जाता था सी छोड़ रहा 10 हज़ार में ना तो मतलब वही करता था भाई 6 महीने में रजिस्टर करा रहा था। ये वाला सीन है। और इंडस्ट्री अभी जैसा आ रही है, एक्शन तो आ रही है लगातार। मसला ये इंडस्ट्री मांग रही है तो क्वालिफाई नहीं होती यार इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा उस वाली वीडियो वाले को नहीं अप्लाई नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। यूनिलीवर का यूनिलीवर क्वालिफाई भी ऐसा नहीं मांग रही, यूनिलीवर में बच्चे को अगर कैसे रखूंगा बहुत कमी है। ये सी यूनिलीवर एक पीएनजी कैसी है मेरे पा पीएनजी है क्या ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन? ख्याल से? नहीं अगर अगर वो भाई नहीं थी। सर हाँ बोल ये बताए रुपए सारे हाँ मतलब एक तो पास तो है और नहीं अभी नहीं जरूरी तो होता वो चोपड़ा अलग चीज है तो बिल्कुल बहुत है पागल आदमी है बिल्कुल पागल है सर वो बिल्कुल अच्छी फिर जिंदगी में कुछ और नहीं है तो मैंने अभी अभी मदद उठा दी है। हाँ तो ऑडिटर ऑडिटर
तो गन्ना के 20 मिनट का खाना बहुत सारी लाल चावल ठीक है। एक ये बोलूं मैं अपने वहां से पेपर में बड़ी थी तो रखना हो रहा है यार दुकान ले रहा है बता जो मैं मुझे अपने इसका मैं करना करते रहे यहां पे जो अभी तक बच्चे वाले देखना नहीं खाना है तो नहीं मैं इसके सारी बोली रहेगी तो फिर अच्छा क्यों पेट पेट में बताओ पेट करीबन अगर मुझे कहीं कंपनी लोग में जाने को मिले मुझे भाई है एक ही डाल के है एक ही बच्चे के डाल के थे नहीं नहीं अभी ये लोग किससे खाना पूरी करते हैं और शरीर से सब कंपनी का देखो एक ही देख पड़ा है लेकिन अपन लोग क्या एक कंपनी क्या किस बात कंपनी का यार मैं सोच रहा हूँ मैं भी कुछ सोच वैसे मैं क्लासेस तो ले रहा हूँ डेवलप क्लासेस जब तक चलेंगी क्लासेस तो नहीं लूंगा नहीं सिर्फ 10 दिन है मतलब 10 पहली पहली घंटे फर्स्ट दिन तो क्या आप उसको डिसाइड कर लो फिर पढ़िए मैंने भी सबको ये बोला ऐसा कंपनी लो और वो दे देखता है ना मैंने भी कहा सर ने कहा कि जो एमएफ के साथ हो गए ना तो ये के एक से फिर भी रहे हो एक पड़ी ना मार्केट इतनी क्या हो गया अच्छा ऐसा नहीं ना ऐसा नहीं है वो मेरे तेरा क्या बोलते हैं आप यार आप जैसे ऑनलाइन बिजनेस सही कर रहा हूँ मैंने ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया जैसे मैं का एडिटिंग थोड़ा तो साथ ऑनलाइन में क्या अच्छा करो अरे ऑनलाइन भी ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन एक्शन के वो सकते हैं मैंने अच्छा पर यार ऑनलाइन में मैंने उन्होंने पूछा नहीं था मैंने वैसे बताया मैंने यार ऑनलाइन में मजा नहीं ऑनलाइन में बंदा ज्यादा फोकस नहीं कर पाता फिजिकल में बंदा जितना फोकस भी रहता है और ना और मतलब अट्रैक्शन ही होता है सही ना वो कहते हैं यार मैं ऑनलाइन पर आया हूँ मेरे सामने ऑनलाइन की बुराइयां कर रहे नहीं यार इसी बात की ऑनलाइन जो है कन्वीनियंट आप जो घर बैठे क्लास में ले सकते हो जब दिन चाहे क्लास में ले सकते हो आपके आने जाने का खर्चा बच रहा है पेट्रोल का आपको कोई मूल नहीं है ना तो मैं जो भी क्या बोलते तो मैं हैं पहले क्या बता रही सही है उन्होंने चलिए उन्होंने दूसरी पढ़ाई वो गेम का करेगा तो नहीं देख देने क्या कंपनी स्टार्ट हुई क्या वाले नहीं वो लोग इतने जल्दी जल्दी आने का 1 लाख
ऐसे बनाते हैं बहुत ऐसी वीडियो बनवा ली सर उन्होंने क्या है, ऐसी वीडियो बना ली। में सर जी ने क्या जरूरत ला दी है सर को बताओ इसमें वीडियो बन रही है क्या कर रहे हैं यार, इतना वो इतना तो बोलो हैंडआउट में है तो हिसाब तो करके दे देना तुम पहली बार। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बिल्कुल मजे में होंगे। और जो है इब्तिदा करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट की जो मुझे लगता है ग्रुप ए में, जैसे टेक्स में कहता हूँ, पास करने के लिहाज से सबसे आसान है, ग्रुप बी में पास करने के लिहाज से सबसे आसान है, कंपनी लॉ। और पूरे कैफ के सिलेबस के अंदर सबसे ज्यादा जो छोटा कोर्स है वो कंपनी लॉ का है। 12 चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर जो मैक्सिमम जाएगा ना, मतलब जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो आपका जाएगा डायरेक्टर्स वाला, तकरीबन 10 क्लासों पे। सही है? अच्छा, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि क्लासें होंगी 1-1 घंटे की, इससे ज्यादा की FAR 2 की जो मेरी क्लास होगी सर, उसी के पहले या उसके बाद 1 घंटे की क्लास लगाऊंगा। क्योंकि मेरा मानना यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मेजोरिटी, जो कि थ्योरी को 1 घंटे बाद नहीं बर्दाश्त कर सकते, है ना सर? अच्छा, मैं आपको एक और साइंस कहती है कि एक नॉर्मल इंसान, कौन सा इंसान, एक नॉर्मल इंसान 8 मिनट से ज्यादा अपना फोकस एक जगह बरकरार, ये नॉर्मल इंसान है, तुम लोग नॉर्मल हो। दूसरी साइंस कहती है एक और, ये 8 से एक और चीज बताते कि एक नॉर्मल नौजवान दिन में 8 मरतबा अपने होने वाले लाइफ पार्टनर के बारे में सोचता है। तो सर ये दोनों थ्योरीज आप पे अप्लाई होंगी, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे शायद हो जाए, इसीलिए आपके पास टाइम स्पेंड कम होता है, डिस्ट्रैक्शन जिंदगी में ज्यादा है, इसीलिए मेरी कोशिश होगी कि 50 मिनट से 1 घंटे तक का लेक्चर हो थ्योरी का, इससे ज्यादा थ्योरी पढ़ाते हुए मैं खुद भी बोर हो जाऊंगा। सही है सर? देखिए FAR 1 FAR 2 हम पढ़ाते हैं, उसमें मसला नहीं होता है, लेकिन थ्योरी में इंटरटेनिंग रखना उसके लिए जरूरी है कि क्लास की ड्यूरेशन क्या हो, छोटी हो। तो आए सर लेक्चर 1 से हम शुरू करेंगे, ओरिएंटेशन ऑफ कंपनी लॉ। और दूसरी चीज पता है क्या है? स्मार्ट स्टडी। हम कंपनी लॉ में स्मार्ट स्टडी कैसे करेंगे, और सिलेबस का ओवरव्यू भी हम लेंगे जो कि ओरिएंटेशन में कवर है। अब आ जाए सर स्मार्ट स्टडी। अब मैं आपको इसके पहले पिछली 2 अटेम्प्ट्स के अगर रिजल्ट बताऊंगा कि पेपर याद रखें, सिंपल है, पढ़ने की हद तक, पढ़ाने की हद तक। पेपर में इसका रिजल्ट कोई बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, ये पहले वाले रिजल्ट को मैं इग्नोर मारूंगा, क्योंकि पहले आपको बताइए बिजनेस लॉ के साथ क्या होता था, मर्ज। अब सर वैसे तो इसकी 3 अटेम्प्ट हो चुकी हुई हैं, लेकिन रिजल्ट हमारे पास 2 का, ये तो ऑटम 22 और स्प्रिंग 22 का रिजल्ट था 22%, और इसका रिजल्ट था 38%। लेकिन सर
इस अटेम्प्ट में एक सवाल था, आपको पता है आईकेप के अगर आपने एग्जामिनर कमेंट्स पढ़े हुए हो मेरा बच्चा, तो इस अटेम्प्ट में एक सवाल था जिसका कैन यू गैस पासिंग परसेंटेज कितना होगा, कितना? सर एक सवाल था, खाली एक सवाल, 1%। मतलब उसने कहा एक सवाल ऐसा था जिसमें आधे नंबर पासिंग मार्क्स सिर्फ एक बच्चे ने लिए 100 में से। सही है सर, इसका सवाल का लेवल समझने में तो मैं समझाऊंगा सारी चीजें। तो सर याद रखें ये इसका रिजल्ट है, सही है हमने कहा। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं सर, वो है पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न क्या होता है सर? एमसीक्यूज होते हैं 15 मार्क्स के, तो हम कह सकते हैं 15% इसमें एमसीक्यूज होते हैं। प्लस अगर मैं थ्योरी के कंटेंट की बात करूं तो सर वो रेंजेस बिटवीन 30% टू 45%। सही है सर, पिछली दफा 43 नंबर की थ्योरी थी, 15 नंबर के एमसीक्यूज थे, 58 नंबर, 42 नंबर का क्या था प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल कंटेंट हमने कहा सर बाकी हमारे पास रिमेनिंग हो जाता है। सही है सर, और प्रैक्टिकल कंटेंट आप ये समझें कि वो 35% से 50% के दरमियान खेल रहा होता है। सर ये इसका पेपर पैटर्न है। और तो और सर अब आप सुनिएगा इसमें, अब मैं आपको इसमें थ्योरी के पेपर एक बड़ी अच्छी अच्छी कह लें बुरी बात कह लें, आईकेप के लिए बहुत अच्छी बात है, आपके लिए थोड़ी सी। भाई आपने रिपोर्टिंग का पेपर पढ़ा हुआ है, आपने क्वेश्चन का पेपर पढ़ा हुआ है सर, क्या उसमें से सवाल तुम्हें बिल्कुल नहीं आ रहा हो, समझ में नहीं पड़ रहा हो? पासिंग मार्क्स निकाल सकते हो? हाँ सर, स्टेप्स कर सकता हूँ कुछ ना कुछ। प्रैक्टिकल जो इसका पोर्शन होता है ना सर, प्रैक्टिकल, अब इसके बारे में आपको याद रखना है प्यारे प्यारे बच्चों, ये हिट या मिस होता है। क्या होता है? तूने रिक्वायरमेंट गलत पढ़ ली, तूने पूरी केस स्टडी के ऊपर लॉ लगना कुछ और था, लगा नहीं तो 1 नंबर नहीं मिलेगा, 1 नंबर भी मिलेगा। नहीं मिलेगा। सही है सर, तो प्रैक्टिकल पोर्शन में सबसे सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है सर? हिट या मिस। अब मैं आपको एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस, ये वाला पेपर पिछली दफा मैंने पूरा क्लास में पासिंग क्लास में करवाया। सही है सर, अच्छा इसके रीजंस फॉर फेलियर मैं आपको बताऊंगा अलग से थोड़े। सही है सर, पासिंग क्लास में मैंने ये वाला सर पेपर करवाया, और आप यकीन करेंगे सर बच्चों को हम ना चल रहे थे ना स्मार्ट स्टडी के हिसाब से, जैसे मैं करवाता हूँ बहुत सारे बच्चों को पता है जिन्होंने पढ़ा हुआ है। सर आप यकीन करेंगे मेरा बच्चा, पासिंग क्लास में से हमने पहले एमसीक्यूज और थ्योरी का पोर्शन कवर किया पिछली अटेम्प्ट का, जो कि 58 नंबर थे। आपको पता है 58 में से मैंने बच्चों की मार्किंग की, ऑन एवरेज 39 नंबर हर बच्चे ने ले लिए, कितने में से? 58 में से। लेकिन सर बाकी 42 केस स्टडीज में से पता है कितने गए थे? 11 नंबर ना, वो 42 में से 11 नंबर, सिर्फ 60% बच्चे ले पाए, 40% बच्चे वो 11 नंबर नहीं ले पाए। क्यों सर? उसने पूछा कुछ, अप्लाई कुछ और किया, और वहीं पे मार्क्स क्या हो जाते, एग्जामिनर बड़ा कुछ चेकर बड़ा खुश होता है, अरे वाह 0, टाइम बच गया ना उसका। देखो तो प्रैक्टिकल में तो उसको घुसना है, यार ला इसने चलो ये नहीं निकाला, इसके ये इसके मार्क्स दे दो। को पता चल गया कि यार मैं इसको पूछ रहा हूँ डायरेक्टर्स के बारे में, उसने बात कर दी, मीटिंग्स की, खत्म, टाटा बाय बाय। तो सर याद रखें इस चीज के ऊपर जो है ना ग्रिप लेनी है। सही है सर स्मार्ट, अच्छा इसके लिए एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है। अब सर आ जाए इसमें स्मार्ट स्टडी कैसे होगी, अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें स्मार्ट स्टडी कैसे होगी। उसका स्मार्ट स्टडी का इसमें ना तरीकाकार बड़ा सिंपल है, और तो मैं इंशाल्लाह क्लास में ही समझ में आ जाएगा हमारी कवरेज क्या होगी कैसे होगी, वो भी मैं तो मैं इंशाल्लाह क्लास के अंदर ही मेरा बच्चा बता दूंगा। तो आ जाए सर इसमें स्मार्ट स्टडी कैसे होगी, जरा इसको समझते हैं, सब बच्चे बड़े ही गौर से सुनना सर, सबने सुनना है बड़े गौर से, कि सर इसके अंदर हमें पता हो इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताऊंगा। कि देख अहमद ये जो है ना बेटा 25 जो है ना टोटल, फॉर एग्जांपल हमने कहा इसके अंदर 100 हेडिंग्स हैं, 100 कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं आपको बता दूंगा कि यार ये 60 के ऊपर थ्योरी आती है, और इसी तरीके से इंपॉर्टेंट फॉर
केस स्टडीज इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडीज, इसमें स्मार्ट स्टडी के लिए ये मैं आपको बता दूंगा कि भाई देखो ये सवाल, और वाकई में पिछली दफा भी ऐसा ही हुआ, जो टॉपिक हमने केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट करवाए आप यकीन माने 90% सवाल उसी में से, हाँ 10% सवाल इसमें से भी केस स्टडी बन गए, 90% जो थ्योरी वाले गए थे थ्योरी उसी में से पूछी गई। तो आप समझते हैं सर ये चीजें बच्चे को पता होना तो बच्चे की जिंदगी क्या हो जाती है आसान। अब आए सर एक और, हमारी अप्रोच क्या होगी, फिर मैं आऊंगा इसमें रीजंस फॉर फेलियर एज पर नॉट मी एग्जामिनर। हमारी अप्रोच क्या होगी सर, हमारी अप्रोच ये होगी, एक चीज के ऊपर मेरा ईमान है वो ये है कि आई कैप की स्टडी टेक्स्ट बेस्ट है। हमारी अप्रोच, अब सुनना यहां पर एफ आर वन एफ आर टू से थोड़ी सी अप्रोच अलग होगी। सर मैं आपको ना तीन चीजें दूंगा, कॉन्सेप्ट होंगे माइंड मैप्स के ऊपर, माइंड मैप्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मतलब इस माइंड मैप्स में 10 पेजेस के अंदर पूरा कंपनी लॉ समराइज्ड है, 10 पेजेस के अंदर कंपनी लॉ समराइज्ड। उसमें ना कुछ चीजें जानबूझकर छोड़ दी गई हैं, वो मैंने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया, बट मैं उसको यूज करूंगा, मुझे अच्छा लगा। तो सर उसके अंदर कुछ चीजें छोड़ दी गई हैं जिनको हम कवर करेंगे। दूसरा हमारा कंटेंट होगा जो कि मैं आपको, मैंने क्या कहा था अभी, एफ ए आर वन एफ ए आर टू में आपको स्टडी टेक्स्ट लेने की जरूरत नहीं हो, मोबाइल में डाउनलोड कर लें, इसके अंदर स्टडी टेक्स्ट परचेज कर लो, सबसे छोटी स्टडी टेक्स्ट इसकी 260-265 पेजेस की, इसकी स्टडी टेक्स्ट मैं आपको, अब सुनिएगा सब बच्चे इधर, हमारा तरीकाकार क्या होगा, माइंड मैप्स पे मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। और सर याद रखें इसकी क्लासेस होंगी हमारी, मैं फिजिकली लूंगा लेकिन प्रोजेक्टर पे। क्या मतलब सर, प्रोजेक्टर पे तुम्हारे सामने पूरा माइंड मैप आ जाएगा, उसका हैंडआउट तुम्हारे पास भी होगा, समझाऊंगा कि भाई देख इसमें ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे, सही है सर, तुम्हें जो बातें लिखेंगे उसको लिख लेनी है माइंड मैप्स पे। फिर एक कॉन्सेप्ट के बाद उसी वक्त हम उसकी जाएंगे स्टडी टेक्स्ट के ऊपर, क्या देखो स्टडी टेक्स्ट, अच्छा स्टडी टेक्स्ट में इतनी अच्छे से ड्राफ्ट किया हुआ है ना इसने, सर थ्योरी में स्टडी टेक्स्ट तो जन्नत है, उसने कॉन्सेप्ट जो हमने माइंड मैप से समझा उसकी थ्योरी भी, और फिर उसके बाद स्टडी टेक्स्ट में उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उसने डाले हुए हैं एग्जाम्पल्स, वहां से ही आपका पक्का होगा। इन दो को हम कर लेंगे साथ साथ, फिर क्या करेंगे सर मैं बताता हूं, फिर क्या करेंगे, फिर एंड में हम आएंगे उसी चैप्टर के एंड पे। बहुत सारे हमारे टीचर दोस्त थ्योरी के सब्जेक्ट्स में सबसे एंड में पास्ट पेपर्स पे आते हैं, नहीं, मैं चैप्टर के एंड में किस पे लेकर आऊंगा, और पास्ट पेपर्स हम रेलिवेंट करेंगे 2008 से लेकर 2023, सही है सर, हालांकि इसमें पहले पोर्शन कम था फिर भी सही है सर। तो ये हमारी अप्रोच होगी माइंड मैप्स स्टडी टेक्स्ट, तो आपके पास माइंड मैप्स मैं दूंगा, पास पेपर्स मैं दूंगा, स्टडी टेक्स्ट आपने लेनी है, स्टडी टेक्स्ट आपने लेनी है, ये आपको मिल जाएगी यहाँ पर, शायद ऊपर भी होगी सर, क्या कोई और बुक लेने की जरूरत है, नहीं, पास पेपर्स देना मेरी जिम्मेदारी, माइंड मैप देना अगली क्लास में माइंड मैप दे दूंगा, और शायद उससे अगली क्लास में इंशाल्लाह पास पेपर भी देने, सही है सर, लेकिन स्टडी टेक्स्ट आपको खरीद लेनी है, आजकल में ही खरीद लो और बहुत बेहतरीन है। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं सर? अब आते हैं सर इसमें, एस पर हमारे प्यारे प्यारे एग्जामिनर, रीजंस फॉर फेलियर। सर याद रखें, मैं हमेशा कहता हूं सीए को अगर करना है आसान तो कह रहा है हसान, क्या करना है आपने स्मार्ट सर, आपको पता हो फेल कैसे होते हैं, सही है सर, मैंने पूरे सीए में ये जाना कि फेल कैसे होते हैं, इस चक्कर में 5 दफा मुझे फेल भी होना पड़ा, सही है, लेकिन मुझे पता है फेल। और एग्जामिनर अब तो हमें ये बात नहीं कहता था ये दरिंदा, आप लोगों को एग्जामिनर भैया ये बात कहते हैं, क्या कहते हैं सर एग्जामिनर, ये बात आप लोगों को कहते हैं कि भाई आप लोगों ने क्या करना है मैं बताता हूँ। वो कहता है कि यार आपको मैं समराइज कर रहा हूँ उसकी कमेंट्स को, सही है, केस स्टडी के केस में क्या रीजन फॉर फेलियर है। सब बच्चे इधर देखें सर, पहला रीजन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट। अब सुनना सब बच्चे बड़े गौर से सुनना, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दूंगा एफ आर वन से, पिछले अटेम्प्ट में इंपेयरमेंट का सवाल आया था एफ आर वन का, उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, गॉड क्या था, किसी ने कैरिंग अमाउंट निकाल दो,
अब इसका मतलब ये है कि कैरिंग अमाउंट आफ्टर इंपेयरमेंट निकालनी थी। नॉर्मल बच्चा तो यही समझता है ना सर, एक चीता मुझे मिला। बोलता है सर सवाल तो इंपेयरमेंट का था, तो वैल्यू इन यूज का भी डेटा दिया हुआ था, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का, लेकिन मांगी सिर्फ कैरिंग अमाउंट थी, मैं कैरिंग अमाउंट निकाल के आ गया। समझ रहे हैं? उसने इंपेयरमेंट के बाद की कैरिंग अमाउंट उससे पूछी और उस बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ कैरिंग अमाउंट निकाल के एग्जामिनर बोलेगा मैंने वैल्यू न्यूज वो जोक के तौर पे तुझे दिया था। सर यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, सही है, ये यहाँ पर भी है, तूने भी तो ये नहीं कह दिया था। सही है सर, आ जाए सर, एग्जामिनर ने कहता है कि भाई तू ये बात बता, और हमारा बच्चा क्या समझता है। सही है सर, अरे भाई ये तो एग्जामिनर कहता है केस स्टडी का सबसे बड़ा मसला, मैं ईस्ट की बात करता हूँ वे। अच्छा एग्जामिनर इस कदर शरारती है ना, मैं आपको बताऊं, एग्जामिनर इस कदर शरारती है आपका कि सर एग्जामिनर जो है ना पूरी केस स्टडी में बात करेगा बॉटल की, पूरी केस स्टडी, बॉटल ये ली इस दिन, ली उस दिन, उस दिन फलाने, सही है, इस बॉटल से पानी में गिलास, गिलास में पानी में डाल सकते हैं, सही है, एक बॉटल जो है चार गिलासों को भर सकती है, बॉटल यहाँ की है वहाँ की है, सही है, और रिक्वायरमेंट में पूछेगा कि बताओ गिलास की कैपेसिटी कितनी है। बात किसकी कर रहा है? और रिक्वायरमेंट क्या पूछेगा? तो अब बच्चा क्या करता है, उसका दिमाग हो जाता है बॉटल पे, इसीलिए रिक्वायरमेंट पहले पढ़ो तुझे पता हो गिलास की पूछ रहे, कहानी इधर उधर। तो केस स्टडी में बता रहा हूँ ना सर, 42 नंबर थे क्लास में, हमने सवाल सॉल्व किया, सही है सर, क्लास में पासिंग क्लास में हमने सवाल सॉल्व किया, 42 में से 11 नंबर 60% बच्चा ले सका, 40% बच्चा नहीं ले सका। हालांकि 42 में से 11 किसे, रिक्वायरमेंट ही गलत पढ़ ली सर उसकी, वहीं पे तो सर याद रखें, खेलता केस स्टडीज में। अब आ जाए सर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, दूसरी चीज सर अगर कर भी लेता है ना, ड्राफ्टिंग इश्यूज, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया, अहमद खो गया ना सर, एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया, एक नुक्ता था सर बच्चा, अब यही मसला होता है। अब पिछली दफा एक बच्चे का मैं क्लास में आपको बताऊंगा मैं किस तरीके से ड्राफ्टिंग के ऊपर मेहनत करूंगा ना, देखिए ये तो रिक्वायरमेंट आपको सिखाऊंगा कैसे पकड़नी है, दूसरी चीज ड्राफ्टिंग के ऊपर क्या ना, अब एक बच्चे की मैं कॉपी चेक कर लूं, सवाल था डायरेक्टर का, सही है, सवाल था डायरेक्टर का, सही है, उस बच्चे ने सारी बातें सही की, जज्बात में एंड में डायरेक्टर को मेंबर लिख गया। अब आप बताएं सर डायरेक्टर को अपने मेंबर लिख दिया ना, अब एग्जामिनर के ऊपर आपने दे दिया, वो चाहे तो आपको मार्क्स दे चाहे तो मार्क्स ना दे, समझ रहे हैं सर? तो सर ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, नॉट कि ये चीज सर ड्राफ्टिंग इश्यूज। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं सर, मैं क्लास में ना जब आपको पास पेपर पे लेकर आता हूँ ना तो मैं टाइम देता हूँ ना, अभी ड्राफ्ट करो अभी चेक करो, उससे ये होता है कि मैं और बहुत सारे बच्चों को सर मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अंग्रेजी तेरी जैसी भी हो बात का मतलब वही रहे ना तो सही है। सही है सर, हाँ बात का मतलब ना अंग्रेजी में मैथमेटिकल मिस्टर, मैं आपको कसम खुदा की ये बात बता दूं, मेरे साथ पास क्वालिफाई होने के बाद भी ये मसला होता रहा कि भैया आई पहले आएगा बिलीव में या ई आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स का। सही है सर, आप समझ रहे हैं सर, आई या ई, तो फिर इसी तरीके से सर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत सारे लोगों से बहुत सारी जगह पे, आई के भी मानता है, आई के कहता है भाई देखो एक बात याद रखो, मैं हमेशा बोलता हूँ उसके हिसाब से, आई केप कहता है मुझे तुम्हारी अंग्रेजी से गर्ज नहीं, मैं कहता हूँ ना तुम्हें आई केप को देख के अंग्रेजी अपनी कुछ जो है ना उसमें वो करना है कि परेशान होने ज्यादा, हाँ बात समझा सको, दूसरा ना उसकी लेंथ। आई केप कहेगा अहमद सन ऑफ दिस लिव्स इन दिस एरिया स्टडीज इन केनेस, ही इज दैट मच ईयर ओल्ड एंड ही इज अ गुड बॉय। अब अगर तुमने खाली ये भी लिख देना कि अहमद इज अ गुड बॉय तो तुम और आई केप एक ही जगह हो, आई केप लंबी करेगा, तुम क्या करते हो शॉर्ट, सही है, लेकिन शॉर्ट में भी जिस्ट सेम रहना चाहिए, अगर शॉर्ट में जरा बेटा जिस्ट ही हट गया ना तो आई केप की हटा दोगे तुम लोग, फिर आई केप नहीं छोड़ेगा। सही है सर, तो याद रखें क्लास में प्रैक्टिस करेंगे ड्राफ्टिंग की, रिक्वायरमेंट तुम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। दूसरी चीज थ्योरी के केस में आ जाओ, मैं इसको समराइज कर रहा हूं सर, थ्योरी के केस में वो कहता है नो प्रॉपर
कवरेज ऑफ सिलेबस। उसने कहा यार मैंने केस स्टडी भी नहीं दी, लेकिन फिर भी एक तो इतना छोटा सा सिलेबस उसको भी तूने सही से कवर नहीं किया। अभी सर उसने एक, मैं आपको बता दूं, एक सवाल दिया पिछली अटेम्प्ट में, प्रोस्पेक्टस के ऊपर एक टॉपिक है आप पढ़ेंगे, 4 नंबर का सवाल था, और मैं आपको अभी से बता दूं उसका जब रिजल्ट आएगा ना तो आप देखेंगे उस सवाल में 10% बच्चों ने भी पासिंग मार्क्स लिए होंगे, क्योंकि उसने थ्योरी में वो चीज पूछ ली जो बच्चे ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया पूछेगा और उसने पूछ लिया। बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट छोड़ के बच्चा नहीं देखना, बस बेकार है छोड़ दो भैया, इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट बताएंगे हम तो आपको इसके केस में याद रखना है कि बाकियों को भी पढ़ना है, इनको अच्छे से दिमाग में रखना है, उनको पढ़ लेना है, लेकिन सर उनको छोड़ना नहीं है। लेकिन आई कैप ने पूछ लिया और बच्चा सही है। अब आ जाए सर दूसरी चीज उसने कहा है, और ये अच्छा ये मैंने निकाले प्रॉपर सर, आपके पास नो समराइजेशन। मैं हमेशा कहता हूं अपने अल्फाज में लिखना सीख जाओगे ना तो सर ये जो माइंड मैप्स है ना ये तुम्हें नेमत लगेंगे। क्यों सर? आखिरी के 10 दिनों के अंदर तुम्हें ये माइंड मैप्स बचाएंगे। आखिरी के 10 दिनों में जब तुम चीजों को रिवाइज करोगे तो 10 पेज तुम्हें तुम बोलोगे और मैंने क्या करूंगा, हम माइंड मैप्स में कुछ चीजें मिसिंग है, हम स्टडी टेक्स्ट को पढ़ेंगे इसमें ऐड करते जाएंगे, पढ़ेंगे इसमें ऐड करते जाएंगे, और इस दफा एक और काम भी करेंगे हम हर टॉपिक के साथ माइंड मैप्स में ही लिख लेंगे कि यार ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये थ्योरी के लिए स्ट्रॉन्ग है, ये केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि वो माइंड मैप जब तुम 10 पेजेस पढ़ो ना तो मैं कंपनी को रिवाइज हो जाए। मैं फिर कह रहा हूँ बहुत ईजी है पास होना सर ये। तो सर ये बेसिकली रीजन फॉर फेलियर है यहाँ पर केस स्टडीज, और ये क्या है थ्योरी। सही है सर। अब आता हूं सर, शुरुआत मैंने अपने टीचिंग कैरियर की FAR1 FAR2 से फिर FAR1 पे आया, फिर FAR पे आया, लेकिन सर इस बीच में FAR पे आने से भी पहले एक दफा 2 अटेम्प्ट के लिए मैंने पढ़ाया था टैक्स, क्योंकि मुझे टैक्स पर्सनली बहुत पसंद है। और सर टैक्स के ऊपर जब से फिर मैंने टैक्स पढ़ाया, फिर टैक्स मैंने कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स की वजह से पढ़ाना छोड़ दिया, लेकिन मुझे बहुत सारे बच्चे पीछे पड़े रहे। बता सर ये जो आपकी स्मार्ट स्टडी अप्रोच है ना, ये अप्रोच जो है ना हमें टैक्स में बहुत काम है, क्योंकि मैं थ्योरी में तुम्हें यहाँ पर भी बताऊंगा कि भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो तुझे घोल के पी जाना है, ये इंपॉर्टेंट है और ये एक दफा देख ले, उससे बच्चों को हेल्प होने लगी। अभी तक पिछली 2-3 अटेम्प्ट तक भी मैं जो है ना अभी मतलब पिछले अटेम्प्ट में भी बहुत सारे बच्चों को मैंने टैक्स की थ्योरी में गाइड किया कि बेटा ये देख ले ये देख ले, वरना इसके अलावा सही सर। तो फिर मैंने कंपनी लॉ पर आना शुरू किया, और मुझे लगता है कि सर ये शायद जितने भी पेपर अभी मैं 4 रिपोर्टिंग है सबसे ज्यादा आसान पेपर है, पढ़ाने के लिहाज से भी पढ़ने के लिहाज से भी, और इंशाल्लाह अगर बच्चों ने सही से अप्लाई कर लिया तो आप पास भी हो जाएंगे। पिछले बैच का रिजल्ट भी मैं आराम से 70% तक का इंशाल्लाह अज्यूम कर लूँ। सही है सर। वरना जो है ये पेपर में सर कुछ भी आपको नहीं लगा अगर आप देखेंगे चीजें तो इंशाल्लाह बहुत आसान है। तो यहां तक किसी का कोई भी सवाल, सर ये मैंने बता दिया आपको कि FAR1 की क्लास से मेरी 1 घंटा या तो इसकी क्लास पहले होगी या तो बाद में होगी, वो टाइम टेबल FAR2 से FAR2 के साथ मैंने इसको अलाइन रखा हुआ है कि FAR2 से या तो पहले या तो, ताकि आप लोगों को मसला, ज्यादातर मेरी कोशिश होगी कि पहले ही रखूं, हाँ रमजान में हो सकता है कि बाद में रखूं, लेकिन ज्यादातर मेरी कोशिश होगी पहले ही हो। कोई भी सवाल किसी भी बच्चे को सर नहीं है तो फिर हम इसकी ग्रेड व्रेड देखेंगे, चीजों का हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। सही है सर। कंपनी लॉ की क्लास भी जो जितनी FAR2 की होगी बेटा उतनी होगी। सही है सर। सर कंपनी लॉ मैं आपको आज यहां पर भी बता दूंगा, यहाँ पर भी बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। सर बच्चा ऐसा ही घबराता है। सर हमारे बच्चे ने जिस दिन सीख लिया ना स्मार्ट स्टडी, उस दिन उसके वारे नहीं आ रहे, और जिस बच्चे ने सर स्मार्ट स्टडी नहीं सीखी ना सीए को पता नहीं। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात पढ़ूं, ऑडिट कितने बच्चे सेटअप में दे रहे हैं ऑडिट में बच्चा इतना परेशान होता है ना सर, ये सर वो फला ढिमकाना XYZ। मैं आपको सच बताऊं ऑडिट में 6 टॉपिक ऐसे हैं जो 70 नंबर का पेपर बना देंगे। कितने टॉपिक जैसे ना FAR1 यहाँ पर भी मैं अभी आपको कुछ ही दिलमों में बताने वाला हूँ कि भाई कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी और बहुत आसानी से पास करवाएंगे। तो मेरा बच्चा तैयार है आप लोग?
पक्की बात है, बढ़ जाऊं आगे। मैंने हमेशा कहा सर जिंदगी को खुल के जिया करो, कोई टेंशन की बात ही सीए वैसे ही तुम लोगों ने मुश्किल मुश्किल कहा है। बताओ भाई क्या सीए मुश्किल है? बताएं जी, मुश्किल है आसान है? स्टडी टेक सब बच्चों के पास हो जानी चाहिए, कोशिश करें जितना जल्दी, नहीं तो मोबाइल में तो कम से कम अगली क्लास में, जो कि हमारी कल ही है, डाउनलोड कर लें। अब मैं आपको आ जाएं क्विकली इसकी ग्रेड पर लेकर जाता हूं। बहुत सारे बच्चे देख भी रहे हैं क्लास में, और सही है बेटा ऑनलाइन में अभी अभी शेयर करता हूं, स्क्रीन पे आपके सामने आ जाएगी, क्यों टेंशन लेते हैं। ग्रेड सबसे जरूरी है, ग्रेड का मतलब क्या है कि अपने का इस चीज के ऊपर इतने नंबर, तो इतने नंबर आएगा। अब सर ग्रेड में अगर आप देखें तो टोटल टीचिंग आवर्स जिसने कितने कहे, ये वाहिद पेपर, तुम दोनों के पास ग्रेड नहीं पहुंची? हाँ यार एक बंदा दे देना तुम में से कोई एक। अब सर ये वाहिद पेपर है जिसमें आई के अपने एग्जेजरेशन की है, इसके टीचिंग आवर, हाँ अगर हम ड्राफ्टिंग को एक एक चीज को देखें तो शायद बन जाए 80-70, वरना इसके टीचिंग आवर्स भी और स्टडी आवर आप खुद भी बोलेंगे सर क्या है। कुछ चैप्टर तो आपको यकीन ही नहीं आएगा, शुरू होते ही खत्म। एक का चैप्टर इसके अंदर ऐसा है जो कि एक क्लास का है। टोटल चैप्टर कितने सिलेबस में? 12। उसमें से मैंने बता दिया मैक्सिमम जो सबसे बड़ा चैप्टर है वो 10 क्लासों का है, वरना 2-2, 3-3, 4-4 क्लासों में आप देखेंगे इसके चैप्टर्स खत्म। सबसे जो पहला मतलब जो आगे जाएगा डायरेक्ट वाल सही। अब आ जाए इसकी ग्रेड में, अगर आप देखें तो मैं आपको ग्रेड की तरफ सब बच्चों को लेकर जा रहा हूं। सर ग्रेड नंबर डी और ई आ रही है आपको नजर? yes. सर डी और ई के ऊपर लिख दें ये पास कराएंगी, लिख दें ये पास डी और ई, अकाउंट्स एंड डिविडेंड्स और वाइंडिंग, इन दोनों के ऊपर मिनिमम कितने नंबर का पेपर आएगा? 30, और मैक्सिमम, और ये टोटल सिलेबस में जो 12 चैप्टर है ना उसमें से 3 चैप्टर में से ये टॉपिक है। सही है सर? अब सब बच्चे बड़े गौर से सुनना है यहाँ पर। सर अगर आपने इंसान के बच्चों की तरह, किसकी तरह? इंसान की तरह, अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से कर लिए ना 3 चैप्टर, इसमें से एक और गुड न्यूज दूं, इसमें से इन 3 चैप्टर्स में से जो है ना 80% थ्योरी आती है और 20% केस स्टडीज, तो इसमें ये ग्रेड आपको पास कराएगी। यहां से हम टारगेट रखेंगे कि यार 30 में से आपको 25 नंबर 22 नंबर यहां से निकालें। सही है सर? अब आ जाए सर इसके अंदर जो सबसे खतरनाक ग्रेड है वो है आपके पास ग्रेड नंबर सी। हम जो क्लास लेंगे ना, आप सुनिएगा सब बच्चे, उन क्लासेस का आप समझे 40% टाइम लगेगा ग्रेड नंबर सी में। इसके अंदर मीटिंग्स लेंथी चैप्टर, डायरेक्टर्स लेंथी चैप्टर और चीफ ये लेंथी चैप्टर है। और सर याद रखें सबसे ज्यादा केस स्टडीज भी यहीं से बनती हैं। इसके आगे लिख ले खतरनाक ग्रेड, कौन से ग्रेड खतरनाक? आई कैप यहां पर जो है थोड़ा सा टेढ़ा आता है, केस स्टडीज यहीं से आता है। फिर सर इसके बाद जो इजी ग्रेड है हमारे पास वो ए नॉर्मल ग्रेड है, ए के आगे भी लिख दें थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी। तो ए डी और ई आपके पास थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है। सही है सर? ये तो मैंने आपको ब्रॉड बता दिया। ऐसा नहीं कि इनमें से केस स्टडीज नहीं आती, सर केस स्टडीज इनमें से भी आती हैं लेकिन कम आती हैं, इनमें ज्यादा थ्योरी। और जो बी है और सी है, सी सबसे खतरनाक है और बी भी है, बी और सी से आपके पास ज्यादातर केस स्टडीज आती हैं। क्लियर है सर? तो अब आपको शुरू की पहली क्लास में मैंने बता दिया कि भैया क्या क्या चीजें कैसे कैसे हमारे पास सिलेबस है। इसके बाद अगर आप देख लें तो इसमें T2 भी है और T1 भी है। T2 का मतलब आपको पता है क्या होता है, मैक्सिमम सवाल कितने नंबर का आ सकता है, और मिनिमम T1 का मतलब होता है 8। अब सर एक बात बड़े गौर से सुनिएगा, यहाँ पर T2 और T1 इतना मैटर नहीं करता, पूछो क्यों? यहाँ पर एक सवाल तो कभी भी वो बहुत बड़ा नहीं देता, एक सवाल की मैक्सिमम लेंथ होगी ना यहाँ पे वो होगी 10 नंबर, वरना 6 नंबर 8 नंबर के एक टॉपिक पे दो सवाल पूछ लेगा। ठीक है सर?
बेटा थ्योरी आप ए डी और ई थ्योरी की तरफ, उनके तरफ से पेपर ज्यादा आएगा, ग्रेड नंबर ए, ग्रेड नंबर डी और ग्रेड नंबर ई समीर, और बी और सी जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, जिन बच्चों को स्क्रीन पर नजर नहीं आ रही रिकॉर्डिंग वाले बच्चे वो हैंड आउट हमसे ले सकते हैं इस नंबर पे रब्ता करके, सही है, वरना तो ग्रेड आपको आईकेप की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। ठीक है सर, इस नंबर पे रब्ता करके आप हमसे ले भी सकते हैं हैंड आउट्स भी, ये ग्रिड्स मौजूद हैं आपके पास, क्योंकि रिकॉर्डिंग में शायद हो सकता है आपको हम यार स्क्रीन शेयर वाली ना दें जूम की, तो आपको ये, क्या मैं यहां तक क्लियर हूं सर? तो आप सर आ जाएं, ग्रिड्स सारी की सारी आईकेप की वेबसाइट पे मौजूद हैं, सारी चीजें हम शुरू करेंगे अपने पहले चैप्टर से, इसका नाम है कंपनीज एंड इट्स टाइप्स स्टडी टेक्स्ट। अगर अभी आपके पास नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, अभी सिर्फ मैं बेसिक से आप पे आऊंगा, यहां तक कोई भी सवाल, सर कोर्स कब तक खत्म होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर, इसके कोशिश करके और इसका मेरे ख्याल में बड़े आराम से भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी मेरी कोशिश है कि आपके पेपर सितंबर में, तो इसका कोर्स 20 जुलाई तक खत्म कर देंगे, 20 जुलाई तक इंशाल्लाह इसका कोर्स, क्योंकि सर पिछली मर्तबा मैंने इसका पोस्ट रिजल्ट बैच पढ़ाया था, पोस्ट रिजल्ट बैच का मतलब ये है कि सर वो वाला बैच शुरू हुआ था नवंबर में, सही है सर, और हमने नवंबर में शुरू हुआ, आप समझ रहे हैं सर, नवंबर में वो बैच, नवंबर के शायद पहले हफ्ते में शुरू हुआ था वो, और हमने उसको कवर कर लिया कोर्स को 10 आपका फरवरी को, सर आप समझें अफेक्टिवली 3 महीने लगे थे, सही है, प्रॉपर पास पेपर एवरीथिंग, तो फिर रिपीट कर रहा हूं, इसका कोर्स कुल मिला के जितना भी हम टीचिंग क्लास के जो आर्ज है इंक्लूडिंग ड्राफ्टिंग वगैरह सब कुछ 65 से 70 घंटों से ज्यादा नहीं है, एज कम्पेयर टू अदर पेपर जैसे FAR 2 है, ऑडिट है, उनके कोर्सेज 180 घंटे 200 पे जाते हैं, इसको आप सिंपल 1/3 कर दें, कि आप खुद बोलेंगे सर क्या है इसमें, सही है सर, हाँ लेकिन ये जो चीजें ना इस पर हम टाइम बहुत लगाएंगे, आपको लिखना सिखाएंगे, कि यहां तक मैं क्लियर हूं, पक्की बात है, आए सर आए, अब हम बढ़ेंगे आगे, ये मिटा दूं, किस कदर आसान है, आप कंपनी लोगों को देखेंगे ना आप बोलेंगे सर क्या है सर ये, लेकिन वही बात, अभी बिल्कुल बेसिक्स बनाऊंगा अभी अफेक्टिवली, तो मैं चैप्टर 1 भी शुरू नहीं करा रहा, ये समझा रहा हूं कि कंपनीज चलती कैसे, क्या होता है कंपनीज, क्यों आया वजूद में, है ना सर, पहले तो जरा इसका बैकग्राउंड समझो सर, हम जो पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तान में अगर कोई कानून बनाना होता है तो बताए कैसे बनता है, पाकिस्तान में भाई बताओ कानून कैसे बनता है, सही है, ये कह रहा है GHQ में भी, चले सर आ जाए, चलिए सर वो सही है, क्या हमारे मुल्क भाई सर पाकिस्तान में कानून तो आप लोगों ने टैक्स में माशाल्लाह पढ़ लिया, कैसे होता है, सही है सर, सेनेट से होता हुआ, सही है सर, फिर हम उसको पार्लियामेंट के आगे करते हैं सर तमाम, लेकिन सर पाकिस्तान में आप मेन बात भूल रहे, हमें जो कोई बड़ा कानून इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, हमें कंपनीज एक्ट लाना होता है ना, तो हम अपनी तरफ से दिमाग कम लगाते हैं, हम कहते हैं एक शख्स है, शख्स होनी एक कौम है जिसको हम प्यार से कहते हैं गोरे, अंग्रेज, हम उनके ही चीजें पकड़ते हैं और छाप लेते हैं, आपको पता है हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमने किस मुल्क का छापा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, सही है, कंपनीज एक्ट भी हमने ऑस्ट्रेलिया और यूके का मिला करके यहां पर क्या कर दिया है, छाप दिया है अफेक्टिवली, तो सर याद रखें कंपनीज एक्ट जो है हमारा ये हमने छापा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें छापने में भी पता चला कि अब दुनिया चेंज हो रही, तो सबसे पहले आया कंपनीज ऑर्डिनेंस, पता है कब आया, 1980, और आप बहुत सारे पुराने सवाल आप देखेंगे उसमें ये कहेगा कि कंपनीज ऑर्डिनेंस है, सही है, 1984, जो कि कंपनीज को क्या करता है सर, गवर्न करता है, सही है सर, कंपनीज को देखता है, फिर हमने कहा सर दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आया, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट सर 2013 वाला आया, बट उसमें भी कुछ मसाइल थे, सब कुछ नहीं हुआ, फिर आखिरी जो अभी हमारे पास चल रहा है वो कौन सा है, कंपनीज एक्ट 2017, अब इसके ऊपर उम्मीद है कि इंशाल्लाह मजीद कुछ मसला, ये बहुत लंबे, इससे पहले सर क्या होता था, इससे पहले
हम भारत का कंपनीज एक्ट फॉलो करते थे, जब शायद था ना यूनाइटेड इंडिया, उसकी चीजें अप्लाई होती थी। 84 में हमने पहली दफा छापा, 12 में दूसरी दफा मार के 13 में निकाल दिया, और फिर 13 में मजीद चेंजेस खुद की, यहां पर हमने काफी चेंजेस खुद की अपने हिसाब से, 17 में आ गए। सही है सर, अब मैं आता हूं और हम आएंगे। अब आप मुझे बता दें, अगर हम टाइप्स ऑफ कंपनीज की बात करें, अभी मैंने पहला चैप्टर भी शुरू नहीं करवाया, तो उसका एक बेसिक है, मतलब टाइप्स ऑफ बिजनेस की बात करूं, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्टर हम किस उसमें कर सकते हैं, तो बताओ कौन कौन से। पहली चीज क्या है, सोल, क्या होता है ये दरिंदा, वन मैन, दूसरा क्या होता है पार्टनरशिप, तीसरा कंपनी। अब सर कहीं ना कहीं आपने एक बात पढ़ी हुई होगी ना, और मैं आपको दुनिया भर में बताता हूं सर, यहां पर भी हम स्टोरी टाइम इंशाल्लाह क्या करेंगे दुनिया, और यहां पर जो स्टोरी टाइम होगा ज्यादातर बिजनेस रिलेटेड होगा, थ्योरी है ना सर, तो हम बिजनेस क्वेश्चन इंशाल्लाह कनेक्ट करेंगे। सर दुनिया भर में तुम्हें पता है क्या धंधा चल रहा है आजकल नया? वैसे तुम लोगों ने बचपन में एक बात तो सुना हुआ होगा, सोल ब्रदरशिप क्या होती है, एक आदमी, इसका फायदा क्या है, वन मैन शो, कल मैं इसके ऊपर डिटेल में जाऊंगा, अभी टेंशन ना लें, सिर्फ अभी एक आइडिया दूंगा, इसका फायदा क्या होता है सर, ये क्या होता है, वन मैन, एक आदमी उसकी बादशाहत, इसका नुकसान क्या है, लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब पता है क्या होता है कि सर बिजनेस अलग, मालिक बिजनेस की वाट लग रही है, मालिक एंजॉय कर रहा है, सही है, बोलेगा चल भाई मैंने तो कंपनी के नाम पे, सेपरेट लीगल स्टेटस होता है कंपनी का, सही है। हम यहाँ पर खुदा ना खास्ता अगर मैंने कंपनी नहीं बनाई, अपने बिजनेस करा ना, मैंने किसी के अगर कोई बिजनेस में नुकसान हुआ तो मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है, इसके ऊपर डिटेल में कल जाऊंगा। पार्टनरशिप का फायदा क्या होता है, स्किल्स बहुत सारी आ जाती हैं, पार्टनरशिप के अंदर स्किल्स बहुत सारी आ जाती हैं, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि एक मियान में दो तलवारें नहीं रह सकती, बर्तन होंगे तो आपस में टकराएंगे, और दूसरी बात लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। कंपनी का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है, अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, सबसे बड़ा नुकसान ये है, लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत है, ऐसी सीपीयू पर नाक बन के बैठा हुआ होता है, चल बेटा ये कर ये कर ये कर, सही है, फायदा क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी। अब सर इनके डिटेल्स में तो मैं कल जाऊंगा, आज की क्लास को मैं इख्तिताम के टाइम पे एक चीज से कवर करूंगा, जिसमें स्टोरी टाइम भी तुम लोग को इंटरेस्टिंग भी रखाएंगे चीजों को। शार्क टैंक इंडिया कितने लोग देख रहे हैं, देखें, अब मैं आपको तो बता दूं क्या होता है, दुनिया बहुत आगे है, मैं आपको उसके स्ट्रक्चर से कंपनी को कनेक्ट करूंगा, सही है, और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्या करना है। सर दुनिया बहुत आगे चल चुकी है, अहमद ने कहा, सुनना मेरी बात सुनना, अहमद ने कहा कि भाई मैं एक धंधा बना रहा हूं, मैं एक धंधा एग्जाम्पल करता हूं, शार्क टैंक में एक बंदा है जिसका नाम है पीयूष, उसकी एक कंपनी, उसका नाम पता है क्या है, लेंस कार्ट, पता है लेंस कार्ट ने क्या काम किया, पहले इसका धंधा समझना, मैं तो इसे कंपनी से कनेक्ट करूंगा। लेंस कार्ट ने क्या काम किया, उसने कहा यार इंडिया के अंदर, और ये अभी भी आप में से और मेरे लिए, हम सबके लिए बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। सर हम स्टोरी टाइम को इसके साथ मिक्स कर देंगे, FIR 1 FIR 2 में अलग से जाते हैं, यहाँ पर हम मिक्स करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, कभी अलग भी होगा कभी मिलाएंगे भी। सर पीयूष बंसल एक बंदा है, इसको सर्च भी कर लेना, इसने कहा इंडिया में जो चश्मे की मार्केट है ना, ये क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है, कोई ब्रांड नहीं है चश्मे में बड़ा, है ना, है भी तो कोई इतना नहीं, तो इसने कहा रेबेन वगैरह, इसने कहा है लेकिन इन्होंने इतना काम नहीं किया, उसने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इंडिया में चश्मे की मार्केट इज हाईली अनऑर्गेनाइज्ड, तो इसके लिए उसने क्या किया, फिर उसने कहा इसके ऊपर मैं ब्रांड बनाऊंगा, उसने सबसे पहले एक एप्लीकेशन बनाई, और उसकी एप्लीकेशन में तुम जाओ रजिस्टर्ड हो गए ना, अब बोलेगा अच्छा भाई अहमद चश्मा लेना, जैसे मैं चश्मा लेना आसान साहब, आप अपनी तस्वीर डाल दें, मैंने तस्वीर डाल ली, अब वो मुझे बता देगा कि आपके फेस के हिसाब से मुझे रिकमेंडेशन देगा कि इस किस्म की फ्रेम सूट करेगी,
कहा अच्छा भाई, उसके बाद मुझे ऑप्शंस देगा, मैं जिस पे क्लिक करूंगा मेरे फेस पे वो फ्रेम आती जाएगी। सही है सर? तो सबसे पहले उसने देख ये काम किया कि भाई आसान साहब आपको दुकान पे जाने की चश्मे की जरूरत, आप यहीं से करें। आप सर सुनिएगा, जब उसने ये काम किया ना तो उसका काम इतना नहीं चला, हालांकि एप्लीकेशन पता है क्यों नहीं चला, बताओ क्यों नहीं चला? यूज करना सब कुछ बहुत आसान था ऑनलाइन वालों, तुम बताओ ये धंधा क्यों नहीं चल सकता? भाई तूने इतनी अच्छी एप्लीकेशन दे दी, बंदा देख रहा है ना सर। नहीं नहीं नेट भी इंडिया में जियो जब से आया ना इनका, उसने बहुत नेट सस्ता कर दिया। आप वहां पर 100-150 रुपए में ना इंडियन रुपीज में आप पूरा पूरा महीना दबा के नेट यूज करो। अभी भी क्यों नहीं चला? सर वजह थी, आप मुझे बताएं, आप लोग जहां पर जो लोग चश्मे नहीं लेंस के चश्मे पहनते हैं, कितनी मर्तबा तुमने चश्मे जब जहां पर डॉक्टर को देखा उसके बाहर वजह से ही चश्मे बना लिए? सर लोगों ने आजकल जो दुकानें होती है ना इंडिया में भी ये बहुत था, जो डॉक्टर था ना वो चश्मे की दुकान में ही बैठता था। हाँ। हमारे शहर में भी बहुत है, तो लोग वहीं पे आई टेस्ट करवाए, वहीं पे नंबर आए, बाहर से बनवा लिया। उसने कहा ये तो बहुत बड़ा भंड हो रहा है। देखो उसने बिजनेस शुरू किया, आइडिया बहुत अच्छा था कि मैं एक बड़ा ब्रांड बनाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा उसने कहा लोग आ ही नहीं रहे। पता चला क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि भाई वो तो डॉक्टर के पास जाते वहीं से उसने दूसरा काम किया, उसने दूसरा काम किया। और उसने दूसरा काम ये किया कि यार उसने डॉक्टरों को रख लिया, उसने कहा लोग फोन करेंगे आपसे चश्मे बनवाने हैं, डॉक्टर को बोला तो अगले के घर पे जा, अगले के घर पे जाकर डॉक्टरों को उसने भेजा कि तुम आईज टेस्टिंग करो, इक्विपमेंट कितना चाहिए होता है, उसके नंबर निकालो, वहीं पे उससे एप्लीकेशन से सिलेक्ट कराओ चश्मे, और उसके घर पे ऑनलाइन डिलीवर कर देंगे हम। अब आप समझे सर इस चीज को? बेसिकली जब उसने ये काम किया ना डॉक्टर रख लिए, धंधा चलने लगा। क्योंकि सर साफ सी बात है, मुझे और आपको जो है ना भी दुकान तक जाना, डॉक्टर के पास जाना, अब डॉक्टर खुद घर पे चल के आ रहा है, फीस वही ले रहा है, थोड़े से ज्यादा नॉमिनल चार्ज उसने वो कर दिए। तो हम बोलते हैं यार काम हो, मैं अपने डॉक्टर के पास सदर में जाऊं, इधर उधर जाऊं, घर पे आ रहा है। अब धंधा बहुत चला, अब सुनना लेकिन सर, अब सर जब उसका धंधा चलता है ना तो आज की दुनिया में पता है क्या होता है? आज की दुनिया में बिकती है उम्मीद। क्या बिकती है? उम्मीद बेचते हम, है ना सर? आप किसी से दोस्ती करें, जो आजकल जो नौजवानों में मोहब्बत वगैरह हो जाती है उसमें क्या बिकता है? उम्मीद ही तो बिकती है, सबको लगता है कि आगे जाके भी अच्छा होगा, सॉरी थोड़ी कि अच्छा हो, है ना सर? अब जब पीयूष ने ये काम करना शुरू किया ना, अब उसके लिए देखो दो चीजें थी। सबसे पहले उसने पूरी कंपनी के सपोज करो 100 शेयर्स थे, 100 शेयर उसने अपने पास रखे, लेकिन इस काम के लिए डॉक्टर को रखना, एप्लीकेशन, पैसे चाहिए थे। उसने जाके सबसे पहले जाके इन्वेस्टर्स के पास गया, दुनिया में ऐसे लोग मौजूद है, इवन कंपनियां मौजूद है जो इन्वेस्टर को समझाया कि देखो यार मेरा आइडिया ऐसा है, मैं इसके ऊपर बिजनेस बना रहा हूँ, मेहनत मैं करूंगा, मुझे सिर्फ तुमसे पैसा चाहिए। एक इन्वेस्टर मिला, उसने कहा एक काम ये कर, पहले 100% का मालिक पीयूष था, 20% एग्जाम्पल के तौर पर गया एक इन्वेस्टर ने कहा कि मैं तुझे 2 करोड़ रुपए दे रहा हूं, तू अपनी कंपनी का 20% मुझे बेच दे। सही है? कितना बेच दे? 20%। सही है, 2 करोड़ लिए, खर्चा किया और वैल्यूएशन अच्छी की इसने। वैल्यूएशन अच्छी का मतलब ये होता है अगर 20% 2 करोड़ में बिक रहा है तो इसका मतलब इसकी टोटल कंपनी की वर्थ है 10 करोड़, है ना सर? 1% इसका जो है आपका वो 10 लाख रुपए में मिल रहा है। सही है सर? तो हमने कहा कि भैया 10 करोड़, ठीक है सर, अजान का 1 मिनट ब्रेक ले लेते हैं। एक मिनट अजान का ब्रेक है बच्चों। अब हुआ ये क्या सर, पीयूष का बिजनेस बढ़ता गया तो उस वजह से हो सकता है अब 2 करोड़ की जगह अगर कंपनी का ये रेवेन्यू हो जाए 4 करोड़, तो सर वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी? 20 करोड़। अब दूसरे राउंड में अगर ये किसी इन्वेस्टर को लेगा और उसका 20% चाहिए होगा तो उसको 20% देने के लिए पीयूष कितना लेगा? और हो सकता है जिसने उससे पहले राउंड में मिस्टर ए ने लिया हो, ये मिस्टर बी है, वो भी अपने 2 करोड़ को किसी को 3.5-4 करोड़ में बेच के निकल जाए, है ना सर? क्योंकि बोलेगा यार मेरे पास कंपनी का 20% था, 20% शेयर थे, अब ये 20% तुम्हारे हुए मिस्टर सी, मुझे इसके बदले में 4 करोड़। तो अब दुनिया ऐसे चल रही है, समझ रहे हैं सर? वैल्यूएशन बढ़ती जाए, ये होता जाए। अब सर ये सब पता है किसमें पॉसिबल है? कंपनी के केस में। पार्टनरशिप में किस पार्टनर का कितने फीसद है ना, निकालना बहुत मुश्किल है। फिर पार्टनरशिप में अगर आप अपना शेयर किसी और को बेचने जाओगे ना तो बाकी पार्टनर से कंसर्न चाहिए। सही है सर?
शॉर्ट पार्टनरशिप में किसी और को लेने जाओगे तो पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी सब, लेकिन सर कंपनी में सब पंचायत नहीं है। कंपनी में मैंने अपना शेयर उठाया किसी को तो कंपनी का दुनिया भर में ना पार्टनरशिप शॉर्ट पार्टनरशिप खत्म होती जा रही है। दुकान वाले तो ये करना, ये तो बहुत कम खत्म हो गया। आपने देखा होगा आपके सिलेबस से भी इसकी अकाउंटिंग उठा दी गई है फेयर वन से। क्यों सर? अब दुनिया इस पे चल रही है, तुम लोग भी इस बात को सर याद रखो। अब पता है क्या सीन है, बोलते हैं यार बिजनेस को ना प्रॉफिट में लाना जरूरी नहीं है, बड़ा बनाना जरूरी है। करीम ने क्या किया, हर महीने जब तक था ना पुराने ऑनर्स के पास 1 करोड़ का लॉस किया, उबर को बेचा, सारा लॉस कवर्ड। जो ऑनर्स थे ना एक्चुअल ऑनर वो एग्जिट कर गया। अब आप होते हैं पीयूष के पास, आपको पता है लेंस कार्ड की इसने कितनी अपनी इक्विटी बांट दी है, इसने अपनी इक्विटी 96% बांट दिए, कुल मिला के तकरीबन 6% खाली इसके पास है जो एक्चुअल ऑनर था। जिसके पास पहले कितनी थी, अब कितने फीसद इसके पास है, 6%। बाकी उसने डिफरेंट लोगों पे उनसे एक एग्रीमेंट, हाँ ये करवा लेते हैं कि भाई देख मैं होगी मेरे पास कमी, लेकिन सारे डिसीजन मेकिंग पावर मेरे पास होंगे। सही है सर? तो बेसिकली इन ये काम अब दुनिया भर में होने लगा, और ये सब काम किस स्ट्रक्चर में है, कंपनीज। अब सर देखने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो क्या उनको गवर्न करने के लिए हमारे पास प्रॉपर रूल्स भी तो होने चाहिए ना सर? तो सर बेसिकली ये रूल्स हैं। आज की क्लास को प्यारा प्यारा बच्चा यहीं तक रखूंगा, हम मिलेंगे कल। अच्छा कल मैंने इसकी क्लास डाल ली एफ आर वन से, एफ आर टू से पहले कल, एफ आर टू अगर 12:15 है तो ये 11:15 बजे, तो कल की क्लास होगी 11:15 क्विकली। अभी हम रिवाइज और 11:15 से सवा हम क्विकली अभी रिवाइज करेंगे सर। आज जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा भाई आज हमने, पेपर पैटर्न क्या होता है इसमें, स्मार्ट स्टडी के आपको पता हो थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट, केस स्टडीज याद रखना, ड्राफ्टिंग क्लास में करेंगे, माइंड मैप से चलेंगे, कल की क्लास में माइंड मैप भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे। सही है सर? उसके बाद जो है हम कल चैप्टर 1 भी शुरू कर देंगे, और आप याद रखिएगा शुरू में थोड़ा सा हमारा पेस कल क्लास प्रोजेक्टर पे भी होगी, लेकिन मैं इसी तरीके से एग्जांपल देता रहूंगा। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आपने याद रखना है कि सर कोर्स इसका बड़े आराम से खत्म होगा, बस आप लोगों ने ड्राफ्टिंग अच्छी करनी है, ड्राफ्टिंग अच्छी करने के लिए अंग्रेजी को सुने। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह हम 11:15। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, बाकी बच्चे जा सकते हैं। सर इनकी क्लास के टाइमिंग मेरा बच्चा यही होंगे। चलें, ओके बच्चा, अल्लाह हाफिज़।